नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा एक खुशखबरी हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। हाँ दोस्तों, खुशखबरी क्या है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, मैंने पहले भी इस वीडियो पे टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना। जैसे कि आप सभी को पता होगा लाडली बहना योजना का जो किस्त है, वो सेकेंड किस्त है, वो रोल आउट कर दी गई है। हाँ दोस्तों, आप लोगों के सभी के खातों में वो पहुँच जाएगी आज, ठीक है। किसी ये हो सकता है किसी की लेट आएगी, किसी की जल्द आ जाएगी, बट आप सभी के खातों में बहुत जल्द वो आने वाली है। जैसे कि देखते हो यहाँ पर एक आप लोगों एक फोटो भी देख सकते हो, लाडली बहन योजना के 1.25 करोड़ बहनों को मिलेगी दूसरी किस्त। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे वो आपको मिलेगी और कैसे चेक करना है अगर आपके अकाउंट में वो आई है या नहीं, कौन से अकाउंट में आई है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको चेक करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को अपना यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो, आप लोगों को भी आना होगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर वगैरह को यहाँ से ओपन कर लेना। जैसे कि देखते हो, मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को से ओपन कर लिया है। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहां पर सर्च करना होगा, यहां पे सर्च करना है MP। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहां पर सर्च करना लाडली, नहीं, आप यहां पे सर्च करना CM लाडली। तो जैसे आप इतना सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट वेबसाइट एक इस टाइप से आपको थोड़ा यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगी, जैसे कि देखते हो नीचे की साइड में। सो इजीली आप लोगों को इस वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे कि फाइनली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो वेबसाइट आ रही थी मैंने उस पर टैप कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये वेट ले रहा है क्योंकि मेरा नेट अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इतना भी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस चैनल पर आप लोगों को जो नई नई योजनाएं होती है उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि फाइनली आप देखते हो यहाँ पर आप लाडली बहन योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग यहाँ पर आ चुके हो, जैसे कि फाइनली आप अपनी स्क्रीन पर भी देखते हो, ठीक है। एंड देन आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कुल प्राप्ति आवेदन, कुल प्राप्त अपतिया, कुल प्राप्त आवेदन, कैसे कैसे आप आवेदन भर सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आज इसमें आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलंबी बनाना है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो है इसमें आपको पता लग जाएगा। कैसे आपको पेमेंट को चेक करना है, आपका स्टेटस कैसे चेक करना है कि कितनी किस्त आई है, कितनी नहीं आई है, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थ्री डॉट, तो इजीली आप लोगों को वहाँ पर टैप करना। उसके बाद में गाइस, अगर आप आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हो, आवेदन यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो मुख्य प्रश्न। तो सबसे पहले आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार डीबीटी स्थिति, तो इजीली गाइस आप लोगों को यहाँ पर इस पर टैप कर लेना जहाँ पर लिखा है आधार डीबीटी स्थिति। तो जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस टाइप के यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फाइनली आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से सर्च कर लेना, जैसे देखते हो यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन पंजीयन क्रम संख्या, यहाँ पर आपको डाल देनी होगी जो भी होगी। उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना होगा, उसके बाद जो भी एक OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा खोजे, यहाँ पर क्लिक कर लेना। भाई मेरे पास तो अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा एक आधार कार्ड वगैरह नहीं है या मेरा कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं है, तो जिससे कि गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करा के दिखा सकता हूँ, बट आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप इस टाइप से देखने को मिलेगा आपके सामने यहाँ पर, जैसे आप आधार कार्ड कृपया पंजीकरण क्रम संख्या ऑनलाइन यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद OTP डालेंगे, तो आपके सामने इस टाइप से एक ओपन हो जाएगा, मतलब ठीक है वहाँ पर सारा स्टेटिव आएगा। फिर वहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड डाल देना, उसके बाद आप लोगों को आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP आएगा, मतलब जिस भी आपको आधार कार्ड में जो भी नंबर आपका ऐड होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP आपको वहाँ पर डाल देना, उसके बाद कैप्चा डाल देना, उसके बाद आपके सामने पूरा स्टेटिव यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आप इस टाइप से चेक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।